बनाए ये बनूंगा मैं, और उसको करने के लिए सबसे पहले एक उस्ताद ढूंढे। इमाम शाफी कहते हैं, मन लैसा लहु उस्तादुन फा उस्ताद हुआ शैतान। जिसका कोई मेंटर नहीं होता, जिसका कोई बड़ा नहीं होता, जिसका कोई शेख नहीं होता, जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसका कोई मास्टर नहीं होता, उसका मास्टर गुरु उस्ताद शैतान होता है। क्योंकि जिंदगी की दिन द मोमेंट जिस लम्हे आपने अपने बारे में कुछ सोचा है कि मैं ये बनूंगा ये करूंगा, तो उस तक और आपकी मंजिल के बीच में ऐसे रास्ते हैं जो अभी आपने देखे नहीं है, ऐसी घाटियां जिनमें आप गिरे नहीं है, ऐसी वादियां जिन्हें आपने एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसे मोड़ आएंगे जिनके बारे में आप जानते नहीं आगे क्या होगा। तो उस्तादों के तजर्बे हेल्प करते हैं इंसान को उन लम्हात में कुलियात से जुजियात को सॉल्व करने के लिए, जहां आपके पास कोई लॉग फाइल नहीं है, जहां आपके पास कोई मैप नहीं है, जहां आपके पास कोई रूट नहीं है। उस्तादों के साथ ज्यादा बैठने वाला शख्स हमेशा अपने अपने कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा तरक्की खड़ी करता है, मगर वो शख्स जो ज्यादा से ज्यादा अपनी उम्र के लोगों के साथ उठता बैठता है और वक्तों को जाया करता है गलत जगहों के ऊपर, याद रखिएगा उसका क्राइसिस मैनेजमेंट, उसका ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसका फियर मैनेजमेंट, उसका इमोशनल कोशेंट इतना कमजोर होगा कि जब उसके आगे मसले खड़े होंगे तो वो कभी कंफ्यूज, कभी इस्तराब, कभी साइलेंट, कभी ग्राउची, कभी क्रैंकी। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें इल्म चाहिए, और इल्म तीन चार तरीकों से आता है बेटा। एक्सपीरियंस के साथ एक अपना एक्सपीरियंस, तो या तो सारी जिंदगी एक्सपीरियंस हासिल करते हो फिर कोई एम्पायर खड़ी करना, या दूसरों के मुशाहिदात और एक्सपीरियंस के साथ, या दूसरों की कुतुब और किताबें पढ़ के, या कायनात के कौनी यूनिवर्सल जनरल उसूलों पे गौर व फिक्र करके। दूसरा, सीरतें पढ़ा करें, बायोग्राफी, हिस्ट्री, तारीख इंसान को सिखाती है कि इंसानों के साथ इंसानों ने और इंसानों के साथ अल्लाह ने और इंसानों के साथ इस दुनिया के मटेरियल ने क्या किया। हैरत की बात है, हम लोग सब कुछ पढ़ने में तारीख नहीं पढ़ते। इट्स वेरी नेसेसरी बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि तुम कल जानो कि कल क्या हुआ था, ताकि तुम उस कल को सॉल्व कर लो जो आगे आने वाला। तारीख पढ़ो, देखो कैसे लोगों ने कम से कम हालात के अंदर बड़े से बड़े 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 जिन खड़े किए दुनिया के अंदर। थर्ड, मन बदा बे सियासत नफ्सी फकत अदरा का सियासत अन्नास, अपने नफ्स की सियासत पे गौर व फिक्र किया करो। जब भी तुम कुछ करना चाहते हो देखो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे साथ क्या बात कर रहा होता है, अपने नफ्स की सियासत को। वन ऑफ द सलफ सेस, मन बदा बे सियासत नफ्सी फकत अदरा का सियासत अन्नास, जो हूएवर मास्टर्स द पॉलिटिक्स ऑफ हिज हार्ट, जो अपने नफ्स की गुलाटियों को समझ सकता है, उसके फ्रंट बैक्स को समझ सकता है, उसके हाई लोज को समझ सकता है, उसकी मनूवर्स को समझ सकता है, किस तरह वो गुस्सा खाता है, किस तरह वो हक नहीं समझ, जिस तरह आप हैं आज, अगर आप अपने आप को स्टडी करेंगे, देन फकत अदरा का सियासत नास, आप लोगों की सियासत को मास्टर कर लेंगे, आप लोगों के माइंडसेट्स को मास्टर कर लेंगे, और वो वक्त जब आप अपनी बात किसी रोस्ट्रम पे या वैसे किसी प्रपोजल में किसी को कन्वे करेंगे तो आपके माइंड में होगा यार इसको ये बात बुरी लग सकती है, इसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी तो ये बात इसको कैसे लग जाएगी, ये कपड़ा शायद मुझे यार नहीं पहनना चाहिए, ये कलर कलर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, ये कलर शायद मुझे यहाँ नहीं पहनना चाहिए। मैयत पे जाके निकाह का दर्ज देते हैं और निकाह पे जाके ना कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत शुरू कर दे। बात तो अल्लाह के दीन की है, बट वज़ो शय अला गैरी मौज़िही, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, यू नो, एंड द रॉन्ग प्लेस एट द राइट प्लेस एज़ वेल। असल दीन का मकसद क्या है? वज़ो शय, चीजों को उनकी सही जगह पर। एज लॉन्ग एज दिस वोंट टेक प्लेस इन योर लाइफ, अगर जब तक ये जिंदगी में नहीं होगा, आप कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अच्छे उस्ताद के साथ और अच्छी सीरत के साथ तारीखों को पढ़ते पढ़ते थर्ड एलिमेंट विच आई वाज डिस्कसिंग वाज कि आपको अपनी सियासत को समझना चाहिए, आप लोगों के माइंड्स को मास्टर करना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान का जब मुंह बंद होगा और गौर व फिक्र बढ़ेगा तफक्कुर अपने ऊपर और लोगों के ऊपर, तो आप देखेंगे आप में एक अजीब सी पावर बिल्ड होना शुरू हो रही है, आप में कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग खामोशी के अंदर वीकनेसेस तो वो स्टडी कर लेते हैं अगले की, मगर वीकनेस स्टडी करने के बाद अगले को मारते नहीं है, उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ में बदलते हैं, उसकी वीकनेस को पहाड़ बनाते हैं उसके अंदर कि ये यहां से बाहर निकला है, और एहसास भी दिलाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, जो मुस्ताही है और मुस्तकबिर दोनों कभी इल्म नहीं हासिल कर सकते। मुस्ताही वो है जो हमेशा शर्म खाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिहाज, मुस्तकबिर वो है जो वो क्लेम कर देगा जिसे आता नहीं है, वही वो क्लेम मैं ही हूं जी, कोई और पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर। तो डोंट क्लेम वॉट इज नॉट योर्स एंड डू नॉट स्टे बैक फॉर क्लेमिंग दैट इज योर्स। जो आपकी बेंच है बोले उसको ये मेरी बेंच है, और जो नहीं है वो आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए। तो ये नफ्स की सियासतें जो ना अक्सर लोग अपने पे गौर फिक्र नहीं करते, लोगों की गलतियां निकालने में लगे थे। नहीं, लोग तो गलत होते ही हैं, आप भी गलत, दुनिया ही गलत है, सब कुछ ही गलत है। प्रॉब्लम इज कि आप जिस तरह अपने आप को टाइम देते हैं कि जी मैं इसको ऐसे चम्मच खिला, अपने नफ्स पे जो रहम आता है आपको, अपने नफ्स के लिए जो लेवरेजेस हैं, अपने नफ्स के लिए जो जो भी अपने नफ्स के लिए निकाला है वो लोगों के लिए क्यों नहीं है आपको? वहां क्यों फतवा इतना सख्त है? वहां क्यों इतनी तेजी है लोगों के अंदर? जो अपने लिए सुकून था वो लोग